इधर सेंट्री कर लो एक, तो ये सिंपल सेट हो गया। बारूद जांचने की मशीन है ये पोटास है, इससे बारूद की क्वालिटी जांच होती थी। और ये क्या रॉकेट, ये रॉकेट ऐसा होता था। ये हथियार है इनके जो यूज किया जाते थे लड़ाई उड़ाई में, लड़ाई में तोप के कारखाने में यूज होते होंगे ये सब चीज़ें। ये देख ये तीर और धनुष, ये तोप का गोला है, देखो जवान तोप का गोला है, ये इतना बड़ा है। और बाकी ये सब तोप का गोला है, तोप के छोटे छोटे गोले हैं। और ये तीर है जो वहाँ से तीर से मारा जाता था लोगों को, लोगों को नहीं मतलब दुश्मनों को जो। और ये तीर रखने वाला उसका क्या बोलते हैं उसको, बाण रखने वाला। ये गर्दन काटने के तीर है देखो, ये गर्दन काटने के तीर है, ये गर्दन काटने के तीर है, ये गर्दन आर पार। ये तो देखो तलवार फरसा तोप तो यहाँ पे बहुत सारे मिलेंगे। तोप शिव बाण 18वीं सेंचुरी में तोप बना हुआ था, इसका नाम है शिव बाण। ये तलवार होते थे दुश्मनों के गर्दन उड़ाने के लिए। और यहाँ पे देखिए ये तलवार होते थे नागिन, तोप नागिन 18वीं सेंचुरी में बड़ा हुआ ये तोप नागिन। और ये तलवार होते थे उनके कवच हुआ करते थे ऐसे, ये यूज होता था उसके लिए। ये जो दिख रहा है ना ये तोप को उठाने के लिए यूज होता है। इस तोप का नाम क्या है, तोप सीमवाड़, तोप सीमवाड़ है, इसको भी ऐसे उठाते थे। ये दो शेर लगे हुए हैं इधर, दो शेर लगे हुए हैं उससे हैंग करने के लिए। इस बंदूकों से दुश्मन पर हमला होता था। ये 17वीं सेंचुरी में बना हुआ था, ठीक है। ये एक तोप है, इसका नाम है कड़क बिजली, इसका नाम है कड़क बिजली। जब ये चलता था एकदम बिजली कड़कड़ाती थी एकदम, देखो ये कड़क बिजली था। और ये तोप नाहर मुखी, इसका नाम है तोप नाहर मुखी, तोप माधुरी और वो नाहर मुखी। और ऐसे बंदूक होते थे बड़े बड़े नाले वाले बंदूक। और ये देखो यहाँ पे तोप जो हमने वहाँ पे देखा था, हाँ ये वाला देखा था। नहीं कुछ नहीं, आप कंटिन्यू नहीं, आप रिकॉर्डिंग बंद करें, आप हमें अपनी आवाज़ नहीं, कोई नहीं कोई नहीं, आप तो वहाँ से वहाँ जब हमने देखा था वो मटेरियल वहाँ बनता है और यहाँ पे आता था और इधर से प्रोसेस होकर, और इसमें बैल से वो चलवाया जाता था। और नीचे ये लगा हुआ है, देखिए नीचे लगा हुआ है, इससे तो स्ट्रक्चर छेद होता था, ड्रिल होता था। ये देखिए यहाँ से तो ड्रिल होता था, तो ड्रिल करके ऐसा सैंपल में यहाँ पर बनाया गया, यहाँ पे तोप रखा हुआ है, फिर ड्रिल हो रही है, ये बनाया गया है। ये है तोप धूमबाण, ये है तोप का नाम भैरवी, ये भैरवी तोप है। यहाँ पे फरसा वरसा रखा हुआ है जिससे दुश्मनों को छक्का छुड़ाया जाता था। ओ ये है रणचंडी तोप है और शेर जंग है, ठीक है। इससे दो फीस लगे हुए हैं मछली जैसे इसको यहाँ करने के लिए। और ये जो होते ये सैनिकों के ड्रेस होते थे, ऐसे ड्रेस में लड़ते थे सैनिक। ये है तोप बरजारी, बरजारी सब तांबे का है। ये तो मच्छोबाड़, इसमें देखो मछली का निशान है, मच्छोबाड़ है। ये धनुष हुआ करता था और ये धनुष हो गया था और ये तीरे हुआ करते थे यहाँ पर देखिए। और इसका पता नहीं क्या है, ये क्या है, कुछ धनुष ही, धनुष का ही टाइप दिख रहा है, टूटा हुआ धनुष दिख रहा है। हाँ ये देखते हैं इधर, ये है बदली तो बदली। और ये शंख होता था जब लड़ाई उड़ाई होती थी, हाँ तो ये शंख बजा के उनको बताया जाता था कि यहाँ लड़ाई स्टार्ट होने वाली है। और ये है कट्टा, ये देखिए ये हाथ में इसको ऐसे पकड़ लेते थे और ऐसे मारते थे इसको। और ये हाथ में वो क्या बोलते, गार्ड हो गया, हेलमेट हो गया, टोपी हो गई, ये हो गया गार्ड।
ये है तोप का स्टैंड जो तोप नीचे निकाल के रखा हुआ है। ये है फतह जंग तोप, ये छोटे छोटे तोप हुआ करते थे जो कि सैनिकों को, एक और छोटे छोटे सैनिकों मान ये होते थे गन, जैसे दिवाली में नहीं होते थे पटाखे छोड़ते थे, इसको खींच दिया और खींच कर मार दिया पटाखे फट गए, तो ये होते थे, ये इस टाइप के होते थे बंदूक है। ये 0.38 mm का ये बंदूक है वेलकम। तो ये है तोप का स्ट्रक्चर। थैंक यू, बने रहिए, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।